हरियाणा पुलिस ने पिछले दिनों पकड़े नशीले पदार्थों को एक साथ नष्ट करने का निर्णय लिया, जिसके लिए एक ड्रग डिस्पोजल टीम का गठन किया गया, जिसमें हरियाणा के 3 जिले अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र को शामिल किया गया। 133 मामलों में जब्त सभी नशीले पदार्थों को अंबाला में नष्ट किया गया। वहीं ज्यादा जानकारी देते हुए ADGP श्रीकांत यादव ने बताया कि NDPS एक्ट के तहत 133 मामलों में दर्ज सभी नशीले पदार्थों को नष्ट किया गया है, जिसमें ड्रग्स, चरस, गांजा और नशीली दवाइयां शामिल हैं, जिसमें 2 क्विंटल 97 किलो 827 ग्राम चुरापोस्त, 91 किलो 795 ग्राम 88 मिलीग्राम गांजा, 900 ग्राम 985 मिलीग्राम हेरोइन, 1 किलो 500 ग्राम सुल्फा, 10 ग्राम चरस, 8500 नशीले कैप्सूल, 59391 नशीली गोलियां, 1586 नशीले इंजेक्शन और 91 बोतल सिरप शामिल हैं। इसमें सिर्फ अफीम को शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि अफीम को डिस्ट्रॉय करने का एक अलग तरीका होता है, उसकी जांच करके अफीम को नष्ट किया जाता है। ये हमारे तीनों जो रेंज के जिले हैं, कुरुक्षेत्र, अंबाला और यमुनानगर के जो भी ड्रग डिस्पोजल कमेटी ने अप्रूव किया था, उनका 133 जो FIRs है, उनमें जो भी ड्रग्स थे अलग अलग कैटेगरी के, उनका डिस्ट्रक्शन आज यहाँ पर हो रहा है अंबाला रेंज के तीनों जिलों में। इसमें हर तरह के ड्रग्स है, इसमें पॉपी हस्क है, भुक्की जिसको कहते हैं, इसमें चरस है, इसमें फार्मास्यूटिकल जो पकड़े जाते दवाइयाँ वो है, इसमें स्मैक है, हर तरह के रखे, ऑपियम जो होता है, केवल अफीम जो है इसमें जो, और उसका एग्जामिनेशन करके वो जाता है एक अलग प्रोसीजर अफीम के लिए, वो मुकदमे केवल हम रखते एग्जामिन करके वो वहाँ जाते हैं कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उसकी मध्य प्रदेश में, वहाँ से जाते हैं, उसकी कमेटी केवल उसको अप्रूव करते, बाकी सारे जो है ड्रग्स वहीं पर डिस्ट्रॉय होते हैं। जाम करवा रहा हूँ।